मेरे प्यारे देशवासियों, 5 दिसंबर को श्री अरविंदो की पुण्यतिथि है। श्री अरविंदो को हम जितना पढ़ते हैं उतनी ही गहराई हमें मिलती जाती है। मेरे युवा साथी श्री अरविंदो को जितना जानेंगे उतना ही अपने आप को जानेंगे, खुद को समृद्ध करेंगे। जीवन की जिस भाव अवस्था में आप हैं, जिन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आप प्रयासरत हैं, उनके बीच आप हमेशा से ही श्री अरविंदो को एक नई प्रेरणा देते पाएंगे, एक नया रास्ता दिखाते हुए पाएंगे। जैसे आज जब हम लोकल के लिए वोकल इस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो श्री अरविंदो का स्वदेशी का दर्शन हमें राह दिखाता है। बांग्ला में एक बड़ी ही प्रभावी कविता है, छोईशु तो पॉइमोन तो आसे तुंग होते, इसलाई काटी ताऊ आसे पोते, प्रोदीप्ति जालिते खेते सुते जेते, किछुते लोग नॉय शादीन। यानी हमारे यहां सुई और दिया सलाई तक विलायती जहाज से आते हैं। खाने पीने सोने किसी भी बात में लोग स्वतंत्र नहीं है। वो कहते भी थे, स्वदेशी का अर्थ है कि हम अपने भारतीय कामगारों कारीगरों की बनाई हुई चीजों को प्राथमिकता दें। ऐसा भी नहीं कि श्री अरविंदो ने विदेशों से कुछ सीखने का भी कभी विरोध किया। जहां जो नया है वहां से हम सीखें, जो हमारे देश में अच्छा हो सकता है उसका हम सहयोग और प्रोत्साहन करें। यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल मंत्र की भी भावना है। खासकर स्वदेशी अपनाने को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो आज हर देशवासी को पढ़ना चाहिए। साथियों, इसी तरह शिक्षा को लेकर भी श्री अरविंदो के विचार बहुत स्पष्ट थे। वो शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान, डिग्री और नौकरी तक ही सीमित नहीं मानते थे। श्री अरविंदो कहते थे, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा हमारी युवा पीढ़ी के दिल और दिमाग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी मस्तिष्क का वैज्ञानिक विकास हो और दिल में भारतीय भावनाएं भी हो, तभी एक युवा देश का और बेहतर नागरिक बन पाता है। श्री अरविंदो ने राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर जो बात तब कही थी, जो अपेक्षा की थी, आज देश उसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए पूरा कर रहा है।